इंट्रोड्यूसिंग ओप्पो F15 प्लस। दोस्तों ओप्पो अपनी F सीरीज़ के दो नए फ़ोन बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है इंडिया में। पहला फ़ोन होगा ओप्पो F15 और दूसरा फ़ोन होगा ओप्पो F15 प्लस। दोस्तों दोनों ही फ़ोन बजट कैटेगरी के फ़ोन होंगे जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो F15 प्लस के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक मिलेगा विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश। साथ में आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलेगी और आपको मिलेगा इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों फ़ोन में आपको मिलेगी 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस एमोलेड वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2340 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 403 पिक्सल पर इंच की और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों फ़ोन की डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, कोई भी कलर सेचुरेशन में इशू आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। दोस्तों फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 के सेंसर के साथ। दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा और चौथा कैमरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। और दोस्तों फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 25 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा। दोस्तों फ़ोन में आपको इतनी कम प्राइस में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, तो फ़ोन की कैमरा क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों फ़ोन में आपको मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G90T प्रोसेसर, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, पबजी जैसा गेम आप फ़ोन में आराम से चला पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम कलर OS 7.0 के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 4025 mAh की बैटरी, जो कि वूक 3.0 की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। टाइप सी का सपोर्ट आपको फ़ोन में मिलेगा और डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड एंड सिम स्लॉट भी फ़ोन में आपको मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट के बारे में। दोस्तों फ़ोन में आपको 3 रैम वेरिएंट मिलेंगे। पहला वेरिएंट होगा 4GB 64GB, दूसरा वेरिएंट होगा 6GB 64GB और तीसरा वेरिएंट होगा 8GB 128GB। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। दोस्तों बेस वेरिएंट की प्राइस यानी कि 4GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग इंडिया में 16,000 से 17,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये ओप्पो का पहला फ़ोन होने वाला है जिसमें आपको इतनी कम प्राइस में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में फरवरी 2020 तक। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।